बस आ गए, कर लिया चेक। तो यहाँ पे ये लोग अनरैप कर रहे हैं इन चीज़ों को, दिवाली के गिफ्टों को, क्योंकि कुछ दीदी को भी मिले हैं, कुछ अभी पापा को भी नहीं मिले, मतलब आए जा रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह के जो भी हैं पापा के। मेरी तरफ से अभी किसी ने कुछ नहीं दिया, बाकी मम्मी खाना वाना देख लो, ये मैडम तो खा कर के आई है बाहर से, हम खा लेते हैं अपना बना लेते हैं, ये तो नवाब है। क्या खा कर आई है बाहर? मैं खा के आऊँगी बाहर, वही जो खाना बना तुम्हारे लिए लाई हूँ वही खा के आई, मटर पनीर, आलू गोभी, रायता, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, चावल, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा। चावल नहीं है, बस चावल ही नहीं खाता बस, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा। हाँ और बस सारे मेन्यू याद हो गए तेरे को? हाँ क्या ही, तो याद नहीं होगा। चल सही है, हमारे लिए भी सोचा तूने, हम गरीबों की भी याद आए कि घर पे दो भूखे बैठे हैं उनके लिए खाना ले जाती हूँ। वो तो उन्हें याद आती है, वो जो भी होता रखते नहीं, कुछ सब बात देते। ये झूमर देख रहे हो बाबूजी? मैंने 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 साफ किया, मैंने दाल मखनी होगी, चमक रहा है ना देखो, पूरा फोकस मार रहा हूँ मैं, काला देख रहा हूँ लेकिन झूमर चमक रहा है। अरे इसका एक बल्ब फ्यूज है, खराब पड़ रही है क्या? सर ने बोल दिया तेरे? हाँ, पिछली बार मैनेजर से हमने पिछली बार सोचा जब मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया, तो हाँ। हमने सोचा हो सकता है भाई देना भूल गए हो, तो हमने बहुत जिद कर करके उसके भाई को बोला इस बात को, एक बार बात तो करो, क्या पता सर भूल गए हो, क्या पता सर भूल गए हो, कहते खराब बट रही है क्या, ऐसे बोल दिया। बताओ ऐसे बॉस है, एजीएम में बोलते हैं ऑडियंस के सामने कि हम अपने एम्प्लॉइज को, भाई सब डालूंगा देख मैं, हम अपने एम्प्लॉइज को, फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट होता है, इंसान मेहनत करता है चार पैसे कमाने के लिए, जब वो चार पैसे ना कमा पाए तो फिर उसकी मेहनत करने का क्या फायदा, अपने घर में बैठे। देखो भाई ये इनके बैंक में अनाउंस हो जाता है और एजीएम वगैरह में भी अनाउंस हो जाता है, पब्लिक के आगे डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अपने एम्प्लॉइज को बोनस देंगे, पेपर वेपर सब में लिखा होता है, बट दिवाली वाले दिन इनका काट दिया जाता है और किसी भी एम्प्लॉयज को बोनस नहीं देते। ये अच्छी बातें नहीं होती, आपको अपने शब्दों पे होना चाहिए। तो भाई अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कहीं शोषण होता है तो क्यों? मम्मी आपकी क्या राय है? कलरफुल बल्ब लगाए कहाँ पे? झूमर में। किस में लगा देता? झूमर में। इसमें? हाँ। बाहर है क्या ये, घर है ये? नाचने गाने वाला वो है क्या ये कोई? की बकिया अंदर आ। अबे यार मेरी जान, किसी ने कुंडी लगा दी, अंदर आ जा, कर ले सुसु कर ले, कर रहा था तो कुछ नहीं कह रहा, मैं अंदर आ जा। ट्राई कर मत, वैसे पटाखे वटाखे छोड़ रहे हैं वो यार, वो दिवाली के चक्कर में गेट खुला हुआ था और ये निकल गया बाहर, डरा दिया था यार इसने। चल कर चल। बाहर ही खड़ा था? हाँ नहीं, वो तो बाहर गया और किसी ने गेट लगा दिया होगा फ्लैट में, बस तो साफ करके मेरे इधर नजर। हैरानी की बात सुनेगी? तूने अंदर से लगा दी कुंडी? ठीक है मैं गया, भाई साहब बाहर खड़ा हुआ था, अच्छा मेरे को देख करके कह रहा अंदर आने मुझे कुंडी खोल दे, अच्छा आ गया तो इसे भरोसा हो गया कि हाँ मेरा मालिक आ गया, तो सुसु कर रहा था, मेरे को देख के सुसु रोक दिया कि कुछ ना बोले, अंदर आ गया भगता हुआ। जी गुची इधर आ, इधर आ, हाँ इधर बैठ मेरे पास। कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी तू? मना किया था ना तेरे को? वैसे तो एक वही है, मेरा घर के आसपास का व्यू है, लोगों ने अच्छे से जा रखे हैं यार अपने घर, लाइटें वाइटें लगा करके बढ़िया से एकदम।
वो मैं अब चल रहा हूँ मतलब हम दिल्ली वालों में बोल के ख़त्म करते हैं शब्द को। चल रहा हूँ, दीपक के पास जा रहा हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं था तो बोल रहा था, अब देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। उसी दुकान पे जाता हूँ। वो रहा दीपक अभी देखता हूँ इसके, अभी नहीं देख। क्या चाल है? तो ध्यान भी नहीं दे रहा भाई, और तो ध्यान भी नहीं दे रहे सर आप। ये हमारे बाबू भैया मालिक, ये हमारे दुकान के ओनर हैं। ये हिमाचल स्वीट पैलेस काफी नामा जाना जो भी है ग्रामी है वो वाला नाम है। ये बहुत बढ़िया घर, ये तो बहुत नामी ग्रामी जाना पहचाना नाम है इनका। नेपाल के तो दिखाऊं ना अंदर। ये नेपाल का एक नेपाल का कारीगर हमारा सो रहा है अंदर वहाँ पे। इसमें जिंदा चीनी खिलाई है। और कुछ आप अपना एक्सपीरियंस सर, अपना एक्सपीरियंस दुकान पे। पूरे दाने निकल रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं पालक वो यही है सब जानते हैं यही है कौन है। धीरे धीरे सड़क में आतिशबाजी करते हुए कुछ लोग। हो गया भाई, हो गया, हैप्पी दिवाली। ये बातें याद रखी जाएगी दीपक। ये वो दोस्त है जो बोलते हैं पिज्जा खिलाऊंगा भाई साहब, लस्सी तक नहीं पूछी दोस्त को। सुबह से यहाँ काम कर रहे हैं हम, लस्सी दिखा दी। बताओ ये कौन सी मिठाई है? ये मिठाई है परमल। अच्छा, क्या था इसके पीछे क्या राज? हाँ भाई, ये एक हरी मिठाई है यहाँ पे, और ये हरा तोता, इससे कुछ राज बता रहा था लड़का। बता भाई इसका राज बता, इसका राज बता भाई। हाँ भाई बता बता। हरा तोता भाई मिठाई बढ़िया। ना ते तू रहन दे, तू बता भाई, कुछ राज नहीं इसका। अरे बहुत बढ़िया चीज बताई थी यार तूने, बता दे एक बार। सही नाम मिल गया ना हरा तोता।